नमस्कार, मैं सुष्मिता विश्वास स्वागत करती हूँ आपका मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और तेजी से बढ़ते चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर नरसिंहपुर से, जहाँ नरसिंहपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष कबाड़ व्यवसायी बन्ने खान की कबाड़ गोदामों पर नरसिंहपुर ITO और थाना कोतवाली पुलिस ने संयुक्त छापामार कार्रवाई की। इस छापामार कार्रवाई में चोरी का खरीदा हुआ लाखों रुपए का सामान बरामद हुआ। वहीं दूसरी और बिना पंजीयन निरस्त कर बकाया वाली चार पहिया वाहन और कुछ अन्य राज्यों के वाहनों को चोरी छिपे कबाड़ के रूप में खरीदा गया था, जिस पर मुखबिर की सूचना पर यह संयुक्त कार्रवाई की गई है। वहीं ITO विभाग की कार्रवाई में एक टैक्सटाइल ट्रॉली, मिनी ट्रक, गुजरात की एक कार जिप्सी इत्यादि वाहन बरामद हुए हैं, जो आरोपी नेता द्वारा चोरी छिपे खरीदे गए थे। देर रात तक चली इस छापामार कार्रवाई से नरसिंहपुर में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आरोपी भाजपा नेता फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक उनकी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं और उनके अन्य गोदामों पर भी छापामार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस संयुक्त कार्रवाई में बहुत चोरी से खरीदी गई सामग्री हाथ लगने की उम्मीद है। बहरहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है और सघन तलाशी अभियानों गोदामों में किया जा रहा है। अब तक अनुमानित तौर पर तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का वाहन सहित सामान पुलिस द्वारा जब्त किया गया है, जो भाजपा नेता द्वारा चोरी छुपे कबाड़ के रूप में खरीदा गया था। पुलिस अब आरोपी नेता की तलाश में भी है, ताकि पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे हो सकें। एक्चुअली परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की एक संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें चूंकि ये राजस्व का एंड मंथ चल रहा है, तो राजस्व वसूली के लिए जहां भी संभावना होती है वहां पर हम जा रहे हैं और देख रहे हैं। तो यहां पर कुछ वाहन दिखे तो उसको देखने के लिए फिर अंदर आए, तो साथ में कुछ पुलिस फोर्स भी था, तो फिर पूरी दुकान की तलाशी ली गई तो कुछ चीज़ें देखने को मिली वाहनों के अलावा। तो सर वाहन कोई ऐसे भी, चूँकि वाहन को डिस्ट्रॉय करने से पहले एक प्रोसेस होता है कि पूरा टैक्स जमा होना चाहिए शासन का, और इसके अलावा वाहन का पंजीयन निरस्तीकरण होना चाहिए। तो जो अभी दोनों दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए हैं, इन वाहन का दस्तावेज उन्होंने सरेंडर कर दिया है RTO ऑफिस में, तो ये एक कितने वाहन सर अभी यहाँ अभी एक वाहन पाया गया है जो इस तरीके का, उसका चेचेस मौजूद है, बाकी बॉडी के पार्ट अलग अलग पड़े हुए हैं। नरसिंहपुर से विवेक पटेल की रिपोर्ट।